हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। आज मैं बहुत मज़े के और वायरल केक की वीडियो लेकर आई हूँ ऑफ ड्रीम केक। बहुत मज़े का, बहुत चॉकलेटी बनता है, तो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी स्टेप से ये बनता है। ये लगता मुश्किल है लेकिन बहुत इजी स्टेप से ये बन जाता है। यहाँ पे मैं 3 अंडे ले रही हूँ, उसमें यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। पाउडर शुगर ही का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर करें जब भी आप बेकिंग करें तो चीनी जो है वो पीस कर ही यूज़ करें, क्योंकि उसके जो दाने दाने थोड़े से जो रह जाते हैं ना, वो सही नहीं रहते केक में। तो पीस के ही शुगर को जो है यूज़ करें। फिर मैंने उसमें चॉकलेट एसेंस ऐड किया और मैंने बीटर से यहाँ पे 7 to 8 मिनट्स के लिए बीट किया है, ताकि जो बैटर है वो हमारा अच्छा सा फोमी सा हो जाए। एज़ यू कैन सी यहाँ पे बैटर कितना फोमी सा हो गया। और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल जिसमें कोई ऐसा जो स्मेल ना हो वही ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैं 1 कप मैदे के ऐड कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे कोको पाउडर, डच कोको पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। डच कोको पाउडर काफ़ी डार्क होता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है। देन यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ऐड कर रही हूँ, और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बैटर को थोड़ा और स्मूथ सा बनाने के लिए यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाती है। एज़ यू कैन सी हमारा बैटर कम्प्लीटली तैयार है बेक होने के लिए। यहाँ पे मैंने 7 इंचेस का मोल्ड ले लिया है, उसमें मैंने फॉइल भी लगा लिया है। आप लोग बटर पेपर भी लगा सकते हैं, फॉइल या बटर पेपर लगाएं, इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन मोल्ड में ऑयलिंग करना इज़ मस्ट। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना बैटर डाल लिया है और टैप भी कर लिया है, ताकि जितने भी बबल्स हैं वो निकल जाएँ। और यहाँ पे मेरा केक 40 मिनट्स में तैयार हो गया था। अगर आप लोग पतीले में बनाएंगे और उसको अच्छे से प्रीहीट कर लेंगे तो 20 मिनट्स में हार्डली केक बन जाता है पतीले में। केक को थोड़ा ठंडा होने देंगे, कम्प्लीटली बल्कि उसको ठंडा होने देंगे, और फिर उसको डीमोल्ड करके यहाँ पे मैं उसका जो डोम है वो काट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रीम केक के लिए 10 भी ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इसकी हाइट कितनी सेट होगी, तो मुझे केक की हाइट थोड़ी ज़्यादा लगी, तो मैं थोड़ा और इसका जो पार्ट है ऊपर का वो मैं कट कर लूँगी। लेकिन ऑब्वियसली ये वेस्ट नहीं होगा, आप लोग चलते फिरते ही इसको खा सकते हैं। देन एक्स्ट्रा मैंने कट करके 10 में इसको सेट कर लिया था, तो मुझे हाइट इसकी ठीक लगी, तो मैंने इसको ज़्यादा और नहीं काटा, बिल्कुल सेट हो गया था 10 में। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बोल में क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम, उसको मैं अच्छे से बीट करूँगी जब तक वो अच्छी सी फोमी सी ना हो जाए। 1 more thing, जो ये स्पंज की रेसिपी है ये बहुत मज़े की है। अगर आप ड्रीम केक नहीं बना रहे, आप कोई और केक बना रहे हैं, तो यही स्पंज की रेसिपी ट्राई करें। यकीन करें बहुत मज़े का, बहुत एक जो बाहर वाला केक का टेस्ट होता है ना वो आ रहा था, उसका टच आ रहा था। तो ये केक की रेसिपी, जो स्पंज की रेसिपी है, इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम हमारी कम्प्लीटली तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली है, उसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। जो कुकिंग चॉकलेट होती है उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा करें, वो आसानी से कट हो जाती है, वो ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे मैं एक बाउल में उसको ऐड कर लूँगी और इसको मैं जो है मेल्ट कर लूँगी। आप लोग नॉन स्टिक पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, या माइक्रोवेव ओवन है तो उस पर आप लोग मेल्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क चॉकलेट, जो मेल्टेड चॉकलेट थी, वो व्हिपिंग क्रीम में ऐड करी है, और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
देन हमारी केक की फर्स्ट लेयर जाएगी व्हिपिंग क्रीम की। मैंने पाइपिंग बैग में एक नोज़ल लगा के क्रीम भर ली थी और वो ज़्यादा इजीली रहता है, और मैं जो स्पंज के ऊपर है वो व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, और अपनी जो नाइफ है उससे अच्छे से इवन कर दूँगी पूरी क्रीम को। देन यहाँ पे रिमेनिंग जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसमें यहाँ पे मैं हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ, और विस्कर से मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चॉकलेट और क्रीम है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। यू कैन सी कितनी मज़े की ये चॉकलेट सॉस बन जा रही है। ये केक्स पे भी यूज़ हो सकती है, इसको आप किसी चीज़ में भी लगा के खा सकते हैं, बहुत मज़े की ये सॉस बन जाती है। देन ये सेकेंड लेयर हमारी जा रही है व्हिपिंग क्रीम के ऊपर। ये जो लेयर है ये सॉफ्ट ही रहती है, ये हार्ड नहीं होती है, तो अगर आप फ्रिज में भी रखें या फ्रिज के बाहर रखें ये लेयर सॉफ्ट ही रहेगी क्योंकि इसमें क्रीम ऐड है। देन चॉकलेट को ऊपर से पोर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी फॉर 15 मिनट्स ताकि जो लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैं 1/4 कप जो है डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है नॉनस्टिक के पैन में बिल्कुल लो फ्लेम पे, और दिस इज़ द फाइनल लेयर। अब यहाँ पे मैं जो चॉकलेट हमने पोर की थी अब उसके ऊपर हम एक और डार्क चॉकलेट की लेयर लगाएंगे, और ये जो लेयर है यही हार्ड लेयर होती है। और केक को जो टिन है वो मैं उसको अच्छे से घुमाऊंगी, मैं स्पैचुला से सेट नहीं करूंगी, उसको घुमा के ही मैं सारी जो चॉकलेट को अच्छे से इवन कर लूंगी, और फिर मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में इसको रेस्ट दूंगी, और फिर ऊपर से मैं कोको पाउडर डस्ट ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे मैं लाइट कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, डार्क कोको पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे हमारा केक कम्प्लीटली तैयार है, इसको मैं आपको टैप करके दिखाती हूँ। ऊपर की जो हमारी चॉकलेट की लेयर थी वो कितनी सेट होके हार्ड हो गई है जैसा ड्रीम केक में होता है, और जो सारी जितनी भी हमने लेयर लगाई थी वो कितनी परफेक्टली आ रही हैं बाहर। ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, बहुत इजी स्टेप्स में मैंने आपको बताया है। सिर्फ दो तरह की आप लोगों को चॉकलेट लेनी है, मिल्क एंड डार्क चॉकलेट, और ट्रस्ट मी बहुत मज़े का ये केक बना था, इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट आ रहा था। तो ट्राई कर अपने घरों में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।